हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्यूटली वेल। माय नेम इज अनिकेत कदम एंड वेलकम टू आवर फोर्थ चैप्टर, दैट इज इंटरनल कंट्रोल रिवीजन। इफ यू हैवंट सीन माय लास्ट थ्री वीडियोस, यू कैन गो इनटू माय चैनल एंड यू कैन चेक द लास्ट थ्री वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल कंट्रोल चैप्टर नंबर 4। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल, वी शुड नो अबाउट डेफिनेशन। वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस। ओके, वॉट इट इज? इट इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। वॉट इंटरनल कंट्रोल क्या है? इट इज एन एक प्रोसेस विच इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय हुम? किसने किया है? बाय मैनेजमेंट, TCWG और अदर पर्सोनल। कौन करता है वो? मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद द गवर्नेंस और अदर पर्सोनल्स। वाई? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस। वाई वी आर डूइंग इंटरनल कंट्रोल? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द एक्टिव अचीवमेंट ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, दैट द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड एंड वी आर गिविंग द रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट दैट। सो वॉट आर द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव? द एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ऑपरेशन, रिलायबिलिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। सो वी हैव कंप्लीटेड टू थिंग्स इन दिट, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दैट इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय द मैनेजमेंट, TCWG और अदर पर्सनल टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, रिगार्डिंग द एफिशियंसी ऑफ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ऑपरेशन, रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स एसेट्स एंड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। और ये जो नीचे चार चीजें हैं, दैट इज ऑल्सो द पर्पज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो वॉट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल? सो इनहेरेंट लिमिटेशंस आर, इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन जजमेंट, इनएफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल, कल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, मीन्स द फ्रॉड, मीन्स इंटरनल कंट्रोल कैन इंक्लूड द इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मिलके, इट इज कल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, दैट इज ह्यूमन जजमेंट और जजमेंट बाय मैनेजमेंट इज वन ऑन द सेम, दैट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन। क्योंकि मैनेजमेंट का जजमेंट है, ह्यूमन जजमेंट है, ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं तो खामियां रहेगी। सो लास्ट में लिमिटेशन ऑफ स्मॉल एंटिटीज है, तो उसमें लिमिटेशंस रहेंगे कुछ, क्योंकि लगाने वाला भी मालिक है और जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी मालिक ही है इंटरनल कंट्रोल का। लास्ट में, मतलब उसके बाद पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। सो IT का बेनिफिट क्या है इंटरनल कंट्रोल में? दैट इट प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस हो जाता है, एडिशनल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडिशनल एनालिसिस रहता है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ दैट द कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। इंटरनल कंट्रोल से क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमें क्या अश्योर होता है कि हाँ कंट्रोल इनइफेक्टिव नहीं है बाबा, अच्छे से काम कर रहा है। टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मॉनिटर एंटिटीज एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या फायदा होगा हमें? एंटिटीज एक्टिविटीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को मॉनिटर करने में हेल्प होगी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो जाएगा पूरे इंप्लॉइज में या मैनेजमेंट में या डिपार्टमेंट्स में ड्यू टू सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, जहाँ पे बेनिफिट्स रहेंगे जहाँ पे वहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस तो रहेंगे। तो IT के, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरनल कंट्रोल में क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? सबसे पहले कि हम ऐसे सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं वो इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस कर रहा है, दैट इज रिलायंस ऑन इनएक्यूरेट प्रोसेस डेटा। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है हमारे इंफॉर्मेशन से, जिससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा होगा। अनऑथराइज्ड चेंज ऑफ डेटा इन मास्टर फाइल्स, मास्टर फाइल्स में चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम्स और प्रोग्राम में चेंजेस हो रहे हैं। इनअप्रोप्रिएट म्यूचुअल इंटरवेंशन हो, एक दूसरे के काम में इंटरवेंशन हो रहा है IT के थ्रू। पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, लॉस हो रहा है सिस्टम ब्रेकडाउन के थ्रू, और जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तब हमें इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तो हम रिव्यू कैसे करेंगे इंटरनल कंट्रोल को? तो रिव्यू करते समय हमारे पास चार चीजें हैं, हम चार चीजों से रिव्यू कर सकते हैं। सबसे पहले नरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनरी एंड फ्लो चार्ट। रिपीट आफ्टर मी, नरेटिव्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनरीज एंड फ्लो चार्ट। व्हाट आर नरेटिव्स? नरेटिव्स इज कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। चेकलिस्ट मतलब क्या? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस
क्वेश्चनरी क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, एंड फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. लेट मी रिपीट, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम क्या होता है? नरेटिव रिकॉर्ड्स. इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चन की सीरीज क्या होता है? चेकलिस्ट. कंप्रेहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चनरी. एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फ्लो चार्ट. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, बट तुम्हारा भाई है ना यार, मेरा एक सिंपल करके दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट क्या है? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन. क्या है? एक मैनेजमेंट फंक्शन है. उसमें क्या होता है? विच इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड कंटिन्यूअस अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी. क्या होता है उसमें? क्रिटिकल एंड कंटिन्यूअस अप्रेजल किस चीज़ का? फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी. वापस एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, इट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड कंटिन्यूअस अप्रेजल ऑफ व्हाट? फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी. पर क्या, क्यों कर रहे हैं हम ये? टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स देयर टू एंड एड वैल्यू. हम क्यों कर रहे हैं? हम इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए और वैल्यू एड करने के लिए ये सब कर रहे हैं. दैट इज इंटरनल ऑडिट. ठीक है, प्लस स्ट्रेंथन ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म. उससे क्या होगा? गवर्नेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा. कौन सा गवर्नेंस मैकेनिज्म? दैट इज एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो ये पूरा डेफिनेशन में एक सेंटेंस में रिपीट करना चाहूँ तो इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी विथ अ व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स देयर टू एंड एड वैल्यू टू एंड स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग द एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो तालियां हो जाए, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है. इतनी बड़ी डेफिनेशन इतने सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, एप्लीकेबल किसे होता है? इट इज एप्लीकेबल अंडर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट. सब लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को कुछ चीजें हैं ध्यान में रखने के लिए. उसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ के ऊपर रहेगा, टर्नओवर अगर 200 करोड़ से ऊपर रहेगा, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग अगर 100 करोड़ से ऊपर रहेगा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अगर 25 करोड़ से ऊपर रहेगा इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन इट इज एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. सर टू पब्लिक कंपनी हो गया, प्राइवेट कंपनी का क्या? प्राइवेट कंपनी में दो ही चीज देखना है, उसका टर्नओवर अगर 200 करोड़ से ऊपर रहेगा और आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग अगर 100 करोड़ से ऊपर रहेगा, देन इट इज एप्लीकेबल टू दैट प्राइवेट कंपनी ऑल्सो. ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या लिखना है? वो गवर्नेंस चेक करेगा, मॉनिटरिंग करेगा किस चीज के? इंटरनल कंट्रोल की. उसके बाद जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उस पर वो चेक करेगा. रिव्यू ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के उस पर वो चेक करेगा. उसके बाद है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. लॉज एंड रेगुलेशन जो है कंपनीज के, उसे वो चेक करेगा कि वो सही ढंग से किए गए हैं या नहीं. उसके बाद रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन. जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है उसे वो चेक करेगा. और लास्ट में आरएम का और एक मतलब होता है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. जो कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट है उसे वो कंप्लीट करेगा. सर जो इंटरनल ऑडिट में डेफिशिएंसी है वो ऑडिटर को किसे रिपोर्ट करना है? ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे. ऑडिटर शैल इंक्लूड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल इन रिटर्न कम्युनिकेशन. रिटर्न कम्युनिकेशन करना है किसे? सबसे पहले उसे करना है रिटर्न कम्युनिकेशन टू दोस चार्ज विद द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, उन्हें उसको मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस को तीन चीज़ें बतानी है. पर्पज ऑफ ऑडिट, ऑडिट का पर्पज क्या है, कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हमें इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या कंसिडर किया है, और जो डेफिनेशन डेफिशिएंसीज हम जो रेफर कर रहे हैं मैनेजमेंट को या TCWG को, वो एक सफिशियंट इम्पोर्टेंस गेन करते हैं. ठीक है, और जो डेफिशिएंसीज है उसके जो हमें क्या करना है, उसका इफेक्ट्स और उसका डिस्क्रिप्शन हमें TCWG और मैनेजमेंट को बताना है. दिस वॉज चैप्टर नंबर 4 गाइज, इंटरनल कंट्रोल. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ हु आर गोइंग टू अपियर इन दिस डिसम्बर एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच. कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग.